बॉलीवुड की मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की हम कर रहे हैं बात। अमिताभ बच्चन ने अपने जमाने में 70 के दशक में एक फिल्म की थी जिसमें ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी उनके साथ उनकी लेडी लव बनी थी। उस फिल्म का किस्सा आज भी लोगों के जहन में है। फिल्म का नाम था सत्ते पर सत्ता। सत्ते पर सत्ता फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन का कॉमेडी भरा अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। इस फिल्म ने हेमा को भी काफी पसंद किया गया। अब वही पुराना नजारा दोबारा आपको नए अंदाज में देखने को मिलेगा। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी को बड़ा झटका जरूर लगेगा क्योंकि उनकी फिल्म को नए तौर से लाया जाएगा, लेकिन वो नहीं होंगे इस बार उनकी फिल्म में। जी हाँ, ना तो अमिताभ ना तो हेमा मालिनी बल्कि बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन के हाथ लग गई है सत्ते पे सत्ता की रीमेक की वो फिल्म जिसमें नजर आएंगी उनके ऑपोजिट बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत हसीना। ऋतिक रोशन, सलमान खान, रणवीर सिंह से लेकर अक्षय कुमार तक का नाम अब तक इस फिल्म को लेकर जुड़ चुका है, लेकिन अब अजय देवगन इस फिल्म के लिए साइन किए गए हैं खबरें हैं। फरहा खान और रोहित शेट्टी इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा समय से एक मुख्य किरदार का तलाश कर रहे थे, लेकिन अजय देवगन को आखिरकार ये फिल्म उनके हाथ लग गई है और नए साल पर बड़ी खुशखबरी आ गई है अजय के घर। अब प्रोड्यूसर हो या फिर डायरेक्टर, अजय देवगन से काफी उम्मीद तो लगा रहे हैं, लेकिन कटरीना कैफ से बातचीत चल रही है इसका किसी को अंदाजा नहीं था। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो खबर आई है कि अजय ने इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी नहीं दी है, लेकिन कटरीना कैफ को लीड रोल में लिया जाएगा तो अजय और उनकी जोड़ी जबरदस्त होगी ये कहा जा रहा है, जिसकी वजह से अजय और कटरीना कैफ की जोड़ी को पहली बार पर्दे पर आप साथ रोमांटिक अंदाज में देखेंगे और ये सरप्राइज होगा अमिताभ और हेमा के लिए भी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।